दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है शरीर से बदबू का आना। नहाने के बाद में भी अगर शरीर से बदबू आती है जो नहाने के बाद कम भी नहीं होती, अगर ऐसे लक्षण हैं तो उसके लिए जो है स्वर्णालम्ब औषधि 200 की पावर में पोटेंसी में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। इससे दूसरी जो दवा है वो है काली आयोड। शरीर से बहुत गंदी बदबू आने पर काली आयोड औषधि लेने से बहुत लाभ मिलता है। इसको 12 या 30 के पोटेंशियल में दिन में कम से कम 4 बार लें। तीसरी जो दवा है वो है मक्सॉल। अगर शरीर से पसीना आने के कारण बहुत तेज बदबू आती हो तो रोगी को मक्सॉल औषधि की 30 की पोटेंशियल बहुत ही अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस, अगर किसी व्यक्ति को अपने आप ही बदबू आती रहती हो जैसे लहसुन आदि की, तो फास्फोरस औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। इसे कम से कम दिन में 3 से 4 बार लें। कैल्केरिया काप, रोगी के शरीर में से पसीना आने के कारण खट्टी सी बदबू आती है। अपनी ही नाक से गंदी सी बदबू का आना, बच्चों को खट्टे बदबूदार दस्त आना आदि लक्षणों में कैल्केरिया काप औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। छठी जो दवा है वो है हिपरसल्फर। रोगी के शरीर में जख्म आदि होने के कारण उनमें से बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे कि बासी पनीर में आती है। दस्त का खट्टी बदबू के साथ आना जैसे लक्षणों में रोगी को हिपरसल्फर औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार दें। ऐसा ये छोटा सा क्लिप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।